हेलो एस्पिरेंट्स, सो टुडे इन टुडेज क्लास वी विल डील विद टू डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज महासमुंद एंड बलौदा बाजार. सो गाइज, दिस टू डिस्ट्रिक्ट आर वेरी एंशियंट डिस्ट्रिक्ट. वी हैव वेरी मच वी आर हैविंग वेरी फैक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हियर. यू कैन सी दिस इमेज ऑफ महासमुंद विच आई हैव पुट ऑन. दिस इज फ्रॉम द साइट ऑफ सिरपुर, दैट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट. सिरपुर में बहुत आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बुद्धिस्ट से रिलेटेड एंड एवरीथिंग, अदर रिलीजन से रिलेटेड. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द वर्ड पेशेंस. पेशेंस याद रखिए, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट. तो अगर आप, इफ यू आर लूजिंग द पेशेंस, याद रखिए गाइज, यू आर लूजिंग द बैटल. लूजिंग द बैटल, लूजिंग द बैटल. अभी बैटल क्या है हमारे लिए? टू क्रैक द एग्जाम, टू क्रैक द एग्जाम. ठीक है, अगर स्टार्टिंग में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, जब आप पढ़ रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी बैटल के लिए तैयारी करते हैं, नथिंग इज हैपनिंग, देन यू विल थिंक, यू विल फील कि इट इज हैपनिंग स्लोली. ठीक है, दिस इज द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल, दिस इज द स्टेज, फर्स्ट स्टेज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं तैयारी या दे क्विट इट. बट यही, इसके बाद अचानक से यू विल सडनली एट वंस आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज हैपनिंग सडनली. ठीक है, तो अगर आपके कुछ नहीं लग रहा है तो इट इज द प्रोसेस, इट इज अ पाथ एंड इट इज अ प्रोसेस, सबके साथ है. अब धीरे धीरे लगेगा कि चीजें हो रही हैं एंड एट वंस यू विल गेट एवरीथिंग एवरीथिंग. सो गाइज, यहां पे, इस जगह पे बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं तैयारी को. सो डोंट डू इट, पेशेंस के साथ तैयारी करते रहिए. ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ महासमुंद. महासमुंद, चलिए महासमुंद हो गया. लेट्स ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू महासमुंद. अब नेशनल हाईवे में क्या क्या पड़ता है, देख, दिस इज द नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे 53 जो दुर्ग से आ रहा है और आगे जा रहा है, दुर्ग से आया, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से महासमुंद होते हुए ये निकल जाएगा आगे. ठीक है, उड़ीसा. देन वी विल वी हैव ड्रॉन दिस नेशनल हाईवे NH 353. ठीक है, एंड अब क्या क्या पड़ता है यहाँ आपको पड़ेगा नेशनल हाईवे में, पिथौरा, देन यू विल गेट बसना, आफ्टर दैट यू विल गेट सरायपाली. सब के सब नेशनल हाईवे 53 के ऊपर है. ठीक है, सरायपाली से एक नेशनल हाईवे और जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो नेशनल हाईवे 153. ठीक है, फर्दर यहां क्या पड़ता है हमारा नेशनल हाईवे 353 के ऊपर, महासमुंद. महासमुंद के आगे आपको पड़ेगा बाग बहरा. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू महासमुंद डिस्ट्रिक्ट. ये देख रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, पूरा बॉर्डर होते हुए ये जा रही है महानदी, महानदी, और ये आपका कुडार रिवर है. ठीक है, अब पिथौरा में दो रिवर आप ऐसे निकाल, चलिए, तो दिस इज महानदी, दिस महानदी, ये आपका कुडार रिवर हो गया. यहां पे आपका कुडार डैम पड़ता है. ठीक है, कुडार डैम, शहीद वीर, इसका भी नाम चेंज हो गया, इसका नाम अब है शहीद वीर नारायण सिंह डैम. फर्दर यहां पे आपको दो और नदियां मिलती हैं जो कि है जोंक एंड लात. ठीक है, ये पिथौरा ही डिस्ट्रिक्ट पे आपको दो माउंटेन्स मिलते हैं, माउंटेन रेंज, दैट इज शिशुपाल हिल्स एंड रदन हिल्स. यही रदन हिल्स है जहां से लात जो है, लात रिवर निकलती, ओरिजिनेट्स, लात रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रदन हिल्स. ठीक है गाइज, तो हमने सराय नेशनल हाईवे 53 में, NH 53 में क्या क्या ब्लॉक्स हैं वो देख लिए,
नेशनल हाईवे 353 में क्या क्या ब्लॉक्स हैं वो देख लिए हमने। अब फर्दर हमने क्या देख लिया, और महानदी देख लिया, महानदी जो राजिम से आ रही है महासमुंद में। इसके बाद हाँ, हियर वी विल सी गुचापानी, गुचापाली। यहाँ एक फेमस मंदिर है चंडी माता का, चंडी माता टेम्पल है यहाँ, ठीक है। पूछ देता है क्वेश्चन कि गुचापाली में क्या है, ठीक है गाइस, तो यू गाइस शुड नो। हियर यू हैव ऑल, आपको सबको पता होगा बार नवापारा सेंचुरी, बार नवापारा विलेज है, दिस इज बार नवापारा, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पे आपको सिरपुर पड़ता है बार नवापारा। जब आप बार नवापारा जाएंगे, जब आप लेफ्ट मुड़ेंगे मेन हाईवे से, तब आपको दिखेगा कि एक रास्ता सिरपुर की ओर जाता है और एक रास्ता बार नवापारा की ओर जाता है, तो दिस इज सिरपुर। सिरपुर से बहुत सारे फैक्ट्स, अभी मैं यहाँ फैक्ट्स नहीं बता रहा, बहुत फैक्ट्स है महासमुंद में, एक साथ नीचे हम लोग सारे फैक्ट्स के साथ डील करेंगे, ठीक है। दिस इज खल्लारी, पिथौरा के पास खल्लारी, खल्लारी भी एक विधानसभा है महासमुंद में। सो गाइस, वी हैव डेल्ट विद ऑल द मोस्टली इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द मैप। अब हम लिखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट नोट हैं सिरपुर। गाइज, यू ऑल हैव टू राइट, यू ऑल हैव टू मेक द नोट्स, यू ऑल हैव टू राइट द नोट्स, बिकॉज विदाउट मेकिंग एंड विदाउट राइटिंग ओनली यू आर, इफ यू आर ओनली लिसनिंग द क्लासेस, आपको वो नहीं होगा, मेमोरी पे नहीं बैठेगा, यू विल गेट कन्फ्यूज। बहुत सारे फैक्ट्स है छत्तीसगढ़ में, जब हम 50-60 क्लास और होंगे और छत्तीसगढ़ जब खत्म होने को रहेगा कुछ महीने डेढ़ महीने बाद, तो यू गाइज विल दिखेगा आपको कि सिर्फ क्लासेस करने से नहीं, यू हैव टू हैव द नोट्स, आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, एंड 2-3 बार रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस छत्तीसगढ़। एंड ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग ऑल द थिंग्स, आपको और यहाँ से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरपुर, सिरपुर को क्या बोलते हैं, बैंक, इट इज एट द बैंक ऑफ महानदी, बैंक ऑफ महानदी। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, ऑल्सो एन हिस्टोरिकल साइट, ऑल्सो एन रिलीजियस साइट, ठीक, ऑल्सो एन नेचुरल प्लेस, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इट एट द टाइम ऑफ महाभारता एज, महाभारता एज में इसका नाम क्या था, महाभारता एज द नेम ऑफ सिरपुर वॉज चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर, एंड इट वॉज कैपिटल ऑफ, चित्रांगदपुर वॉज कैपिटल ऑफ भब्रुवाहन, हु वॉज भब्रुवाहन, अर्जुन का बेटा है, अर्जुन सन, अर्जुन महाभारत में जो अर्जुन है ना, उसका बेटा है भब्रुवाहन। अच्छा, इसका भी कैपिटल था। फर्दर जब कैपिटल पढ़ रहे तो हम लोग और पढ़ लेते हैं, इट वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पांडु एंड शरबपुरिया किंग, ठीक है। फर्दर लेट्स डील विथ ऑल द बुद्धिस्ट फैक्ट, बुद्धिस्ट फैक्ट जितने भी, बहुत सारे बुद्धिस्ट के सारे फैक्ट्स, मेरे को लगता है मोटा मोटी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म जो छत्तीसगढ़ में है वो आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस, मैंने बोला साइट है, इट इज रिलीजियस साइट एंड रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, जैन प्लस हिंदू रिलीजन, याद रखिएगा तीनों रिलीजन है, क्वेश्चन में कहीं आ जाता है ना कि सिरपुर इज रिलेटेड टू ओनली जैना, अगर लाइनर क्वेश्चन में आ जाएंगे 1-2, 1-2-3 वाले क्वेश्चन में, तब तीनों के तीनों रहेंगे, तभी सही है, ये तीनों रिलीजन वहां पे आपको मिलेंगे। एक रिलीजन भी बोलेगा तो मिलता है कहीं, बोलेगा तो ओनली बोलेगा तो इट विल बी रॉन्ग। अगर ये बोलता है कि बुद्धिस्ट रिलीजन आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फाउंड इन सिरपुर तो सही है, बट ओनली बुद्धिस्ट, ओनली जैना, ओनली हिंदू, देन इट विल बी रॉन्ग, तीनों के तीनों मिलते हैं, ठीक है गाइस। फर्दर इन द बुक ऑफ बुद्धिस्ट, इन द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धिज्म अवधाना शतक, इट हैज बीन रिटन दैट कि गौतम बुद्ध विजिटेड विजिटेड हियर एंड स्टेड देयर फॉर 3 मंथ सिरपुर में, अवधाना शतक में लिखा है ये चीज, ठीक है। ह्यूएन सांग द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर विजिटेड
Sirpur during reign of Mahashivgupt Bala Arjun. एट कौन से एडी में? 639 एडी में. ठीक है, एडी. चलिए फर्दर हमारे पास और है यहां पे स्वास्तिक कुटीर विहार बाय आनंद प्रभु, वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धा जी, गौतम बुद्धा. Also there is Anand Kutir Vihar by Anand Prabhu. कब बना था ये आपको याद रखना है, at the time of Mahashivgupt Bala Arjun. या हियर वी गेट द आइडल ऑफ मूर्ति मिलती है हमको गौतम बुद्धा की. ये सब सिरपुर के अंदर है, इसलिए हम मैप में इतनी सारी चीजें नहीं लिख सकते थे, क्योंकि मैप में हम लिखने जाते तो बहुत ही हॉश पॉश हो जाता है. इसलिए आई एम राइटिंग ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू सिरपुर की आपको खोजना ना पड़े किसी भी नोट्स पे. एवरी फैक्ट हैज बीन कंसाइज्ड हियर, कंपाइल्ड हियर. ठीक है, फर्दर हमने कहां तक पढ़ लिया है? हाँ, स्वास्तिक विहार हो गया, आनंद कुटीर विहार हो गया. चलिए आगे we can write that कि after independence of India, Sirpur was the first site to be excavated by Gangadhar Mureshwar Dikshit ji. यह पहला site है छत्तीसगढ़ का, पहला site, first archaeological site जिसको इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं है, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन मेनी एक्सकेवेशन, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कहीं क्वेश्चन पूछता है तो द फर्स्ट साइट इन छत्तीसगढ़ आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस पे एक्सकेवेशन हुआ था आर्कियोलॉजिकली, दैट वाज सिरपुर. ठीक है, एंड द लास्ट फैक्ट यू कैन राइट हियर कि लास्ट फैक्ट नहीं होगा, दो तीन फैक्ट और है हमारे पास अभी. ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही कम किंग का किसी डायनेस्टी में हम लोगों को मूर्ति मिली है. एन आइडल, याद रखिए क्वेश्चन कभी भी आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, आ भी चुका है और फिर आएगा. एन आइडल ऑफ विच किंग? पांडू किंग महाशिवगुप्त बाला अर्जुन एंड हर्षगुप्त. इंफॉर्मेशन यहां मिलता है. ठीक है, रिटर्न हियर. ठीक है, चलिए फर्दर अब हम देख लेते हैं क्या लक्ष्मण टेम्पल. लक्ष्मण टेम्पल इज अ विष्णु टेम्पल मेड बाय रानी वास्ता वाई इन मेमोरी ऑफ हिज हस्बैंड हर्षगुप्त. किस डायनेस्टी के थे ये? पांडु. ठीक है, अच्छा, रेड ब्रिक्स से बना हुआ फर्स्ट टेम्पल इज सिरपुर में है. फर्स्ट टेम्पल मेड विद रेड ब्रिक्स इज इन सिरपुर. ये भी याद रखिए, पूछ देता है क्वेश्चन में. तो हमने देख रहे हैं आप कितने, कम से कम 20 क्वेश्चन तो यहां से बन जाएंगे सिरपुर से ही, मोटा मोटी 20 क्वेश्चन. और आते हैं क्वेश्चन इसमें व्यापम छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं. ये सारे फैक्ट्स इफ यू आर गोइंग टू कंपाइल दिस ऑल फैक्ट्स फ्रॉम समवेयर यू विल नॉट गेट इन अ सिंगल बुक. I can bet it. So guys, this is what the content I am providing here. चलिए आगे बढ़ते हैं. Further हम लोगों के पास ये सिरपुर खत्म होता है. Further कोडार डैम हमने देखा. कोडार डैम इसका नाम चेंज हो गया है अब शहीद. मैं हर चीज़ इसलिए लिख रहा हूँ ना, कुछ भी पूछ सकता है. I have said that कि शहीद वीर नारायण सिंह है.
बट आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं लिखूंगा नहीं तो वीर नारायण सिंह, अगर नोट्स रहेगा तो यू विल गेट इट। चंडी मंदिर, बाग बहरा में है, आई हैव टोल्ड यू घूचा, पाली, महासमुंद। अच्छा देखिए, कभी भी टेंपल एम्पल के बारे में ना, मैं जब भी बताऊं आपको तो एक चीज याद रखना है, चंडी मंदिर कहाँ है ऐसा पूछेगा, महासमुंद में फेमस चंडी का मंदिर कौन सा ये पूछ देगा, कहाँ है तो ये महासमुंद भी आएगा, गुचापाली भी आएगा, बाग बहरा भी आएगा। अब आपको देखना है क्या देता है, क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन में पूछा है, क्या ब्लॉक वाइज क्वेश्चन में पूछा है, कि जो सिटी विलेज है वो पूछा हुआ है। अगर छोटे छोटे विलेजेस पूछा होगा तो गुचापाली पूछेगा, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव ऐसा पूछेगा, तब महासमुंद रहेगा आपके ऑप्शन में। और जब डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज पूछेगा तो बाग बहरा ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक का नाम दिया होगा। सो गाइस आपको समझना है तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, गुचापाली, बाग बहरा एंड महासमुंद, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम खल्लारी, खल्लारी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। खल्लारी, जैसे सिरपुर का नाम मैंने बताया क्या था महाभारत एज में, चित्रांगदपुर, कैपिटल ऑफ अर्जुन सन, अर्जुन के सन का कैपिटल बताया था ना मैंने, भद्रवा, हाँ इनका, ठीक है चलिए। फिर खल्लारी का क्या है नाम, महाभारत एज नाम, हाँ भारता एज में नाम इसका था खल्लवाटिका। ठीक है, यहाँ पे आपको सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है, भीम खो, खो को छत्तीसगढ़ी में हम पैर का बोलते हैं, पैर पैर, खो खो गड्ढा हो जाता है ना, भीम का फुटप्रिंट है ये, पैर का नीचे जो होता है ना खो उसको बोला जाता है। ठीक है, भीम खो, तो इसका मतलब भीम फुटप्रिंट इज फाउंड हियर इन खल्लारी। फर्दर लक्षागृह है यहां सब। देखिए महाभारत एज से रिलेटेड काफी साइट्स है, देखा बुद्धिस्ट साइट्स हमने कहां देख ली, पूरी हमने देख ली वहां सिरपुर में, हिंदुइस्ट साइट हम लोग देख रहे हैं महासमुंद में, यहां दिख रही है आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिए हर चीज यहां पे आपको दिख रही है, तो यहां पे क्या, दुर्योधन, दुर्योधन कौन थे, कौरव जी, कौरव से के साइड से थे ना, कंस्पायर्ड टू किल द पांडव बाय बर्निंग देम। चलिए अच्छा, ये आपको मैं बताता हूँ, एक लाख मतलब एक छोटी सी स्टोरी है कि दुर्योधन ने ये जो पांडव है उन लोगों को बुलाया यहाँ पे खल्लवाटिका में, इन्होंने बहुत बहुत सुंदर सा महल बनाया जो कि लाख का बना हुआ था, और इनको जलाने का कॉन्स्पिरेसी थी इनके वहाँ पे। ठीक है, तो लाख इस स्टोरी को बताने का कंटेक्स्ट ये था कि आपको छत्तीसगढ़ में ये पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लाख, लाख लाख पैसे वाला लाख नहीं है, लाख इज समथिंग इन इंडिया, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ लाख क्या है इंडिया, लाख क्या है, इट इज यूज्ड इन पेंट वुड, पेंट वुड में यूज होता है, जो शाइनर शाइनर होते हैं ना, शाइनर आप देखे होंगे पेंट में शाइनर लगाते हैं इन लोग, जो वुड होता है उस पर सागुन का जो लकड़ी होता है सब में शाइनर यूज होता है, वो होता है लाख। और ये लाख बनता किससे, क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है बार बार, पलाश के फूल, बोर एंड कुसुम, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है लाख। और ये लाख का ही महल था, वो जो महल था जिसको जलाने की बात यहाँ पे हो रही है, कंस्पायरी हुई थी। ठीक है, तो उससे आपको एक और फैक्ट क्लियर होगा कि छत्तीसगढ़ इज फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ लाख। फर्दर हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्ट, अगर ईस्ट में छत्तीसगढ़ के हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा तो वो है ढारी डोंगरी, ढारी डोंगरी दैट इज 899 मीटर्स। ठीक है गाइस, और ये कहाँ है, शिशुपाल माउंटेन, मैंने बताया ना रदन हिल्स और शिशुपाल हिल्स, तो ये शिशुपाल हिल्स में ही है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो यहां का इंडस्ट्रियल एरिया कहां है, बेलटुकरी, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ महासमुंद इज बेलटुकरी, बेलटुकरी। हिस्टोरिकली दो सत्याग्रह यहां पे हुए हैं, यू शुड नो Why I am telling everything historical, archaeological, ancient thing? आपको revision में बहुत easy होगा at the end, याद रखिएगा। तमूरा सत्याग्रह, ये मैच the following में आ जाएगा, तमूरा सत्याग्रह, अलग अलग सत्याग्रह का नाम कांडेल नहर सत्याग्रह दे देगा, फिर आपको district match करने बोलेगा। तो यहाँ revise आपका ये notes में बार बार होगा,
तो यू विल पिक इट वेरी जल्दी से. आपके टिप्स पॉइंट फिंगर टिप्स में रहेंगे सारे के सारी चीज़ें. ये जितनी नोट्स हैं फिंगर टिप्स में होने चाहिए आपके. यू विल गेट थ्रू मैनी ऑफ द क्वेश्चन. 80% क्वेश्चन तो यू विल गेट थ्रू इन छत्तीसगढ़. ठीक है. तमूरा सत्याग्रह एंड सेकेंड वन वॉज लबरा सत्या 1930 में. यहाँ दोनों सत्याग्रह जो हुए 1930 में हुआ है. ठीक है 1930 में. सो ठीक है. यहाँ पे आपको एक और चीज देख लेना है. यहाँ पे आपके पास है विवेक वर्धन आश्रम. कुछ और फैक्ट नहीं है इसमें, बस याद रखना है आपको ASHRAM आश्रम. ठीक है. अच्छा और यहाँ पे मुस्लिम साइड भी एक है, मोहम्मदन साइड भी एक है. यहाँ पे दैट इज हजरत जाकिर शाह कादिर रहमतुल्ला अलाही दरगाह. कहाँ है? बावनकेरा में है, महासमुंद में. लिख देता हूँ पूरा. हजरत जाकिर शाह कादिर रहमतुल्ला अलाही दरगाह दैट इज इन बावनकेरा महासमुंद. तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पूछेगा, इतना डीप तो जाना नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ पीसीएस को. बट याद रखिए बावनकेरा में है एंड इज महासमुंद, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. सो गाइज हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे महासमुंद से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स देख लिए, तो आपको लग रहा होगा बहुत फैक्ट्स हैं. सो गाइज हैं, महासमुंद में काफी फैक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड डिस्ट्रिक्ट टूडे, दैट इज बलौदा बाजार. ये दिख रहा है कुछ कुतुब मीनार टाइप का, ये जैद खाम है. ठीक है. ये बलौदा बाजार में सिचुएटेड है एंड दिस इज ऑलवेज इसको मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीआर बोला जाता है कि कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़ से कंपेयर किया जाता है, कुतुब मीनार से कंपेयर किया जाता है. सो गाइस अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स ड्रॉ द मैप ऑफ बलौदा बाजार हियर. ठीक है. बलौदा बाजार में सारी सीमेंट फैक्ट्री है. यू गाइस शुड नो ये सीमेंट फैक्ट्री का हब है. बलौदा बाजार में सारी सीमेंट फैक्ट्री है. जितनी कंपनियों का नाम है याद करते जाइए, फिर थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे तब बताइएगा. ठीक है. कमेंट्स में बताते जाइएगा, लिखते जाइएगा, इंटरेस्टिंग है. लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या बनाते हैं हम हाईवे, नेशनल हाईवे. ये एक नेशनल हाईवे हो गया, यहीं से जुड़ा हुआ जो कटता हुआ हाईवे आता है आपका, ये दूसरा नेशनल हाईवे हो गया. ठीक है गाइस, लिखते हैं नेशनल हाईवे. दिस इज नेशनल हाईवे 30. नेशनल हाईवे 30 एंड दिस इज नेशनल हाईवे 130B. 130B कहाँ जाता है? इट गोज टूवर्ड सारंगढ़. गाइज आपको नेशनल हाईवे याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए नेशनल हाईवे 30 से ही रायपुर है. यहाँ रायपुर यहाँ रायपुर था ना, रायपुर से नेशनल हाईवे 30 से क्या कटता है? नेशनल हाईवे 130B कटा था और नेशनल हाईवे 130B रायपुर से जो कटा वो जाता है आपका सारंगढ़ की ओर, मैंने वहाँ पे भी बताया था. और ये नेशनल हाईवे 30 तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, अब तक इतने बार वी हैव रिपीटेड इन एवरी ईच एंड एवरी क्लास ऑलमोस्ट. कबीरधाम से निकलता है बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, कोंटा, द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, द बिगेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ छत्तीसगढ़ इज नेशनल हाईवे 30. देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी नीचे पड़ चुके हैं, मतलब कि दुर्ग में हमने काफ़ी दो डिस्ट्रिक्ट पढ़े इस पे, बेमेतरा कबीरधाम. रायपुर में हमने रायपुर डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए इस पे, बलौदा बाजार, रायपुर एंड धमतरी. रायपुर और धमतरी हमने पढ़ ही लिया है, बलौदा बाजार आज पढ़ लिया और नीचे से जहाँ जहाँ ये पास करता है वहाँ भी हम पढ़ लिए, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा, कांगेर, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा. तो ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद आपको नेशनल हाईवे 30 के साथ मिलने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है गाइस. ओके चलिए फर्दर वी कैन सी दिस. हम रायपुर और यहाँ देख लिया हमने नेशनल हाईवे 130B एंड नेशनल हाईवे 30. सो हमने यहाँ पे अब रिवर बना लेते हैं, हम रिवर कौन कौन सी जाती है यहाँ से. तो हियर वी हैव टू, यहाँ पे आपको शिवनाथ नदी मिलती है और यहाँ पे आपको खारून मिलती है. खारून और शिवनाथ जो है बलौदा बाजार में ही मिलते हैं. ठीक है. सो ये कहाँ, ये क्या है? खारून एंड दिस इज शिवनाथ. ये क्या हो गया? शिवनाथ. खारून और शिवनाथ कहाँ मिलते हैं? सोमनाथ. सोमनाथ जो जगह है
इट इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ खारून एंड शिवनाथ रिवर. ठीक है गाइज, नेशनल हाईवे 30 के नीचे से जाता है, यहाँ ब्रिज है, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा. अब फर्दर वी कैन सी यहाँ पे हम एक और नेशनल हाईवे बना रहे हैं. सो गाइस, ये सिमगा है, सिमगा. फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो सिमगा से यहाँ कटेगा और ये यहाँ भाटापारा मिलेगा आपको, भाटापारा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट हियर धम्माखेड़ा, और ये नेशनल हाईवे आपका कौन सा है, NH 130. यही नेशनल हाईवे जो है आपका जाता कहाँ है, आगे अंबिकापुर. तो तीन नेशनल हाईवे देख लिया हमने, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 130B एंड नेशनल हाईवे 130. नेशनल हाईवे 130B जाता है सारंगढ़ की ओर, नेशनल हाईवे 130 जाता है कोंटा की ओर और कबीरधाम से निकल के, और नेशनल हाईवे 130 जो है वो सिमगा से जाता है कहाँ, अंबिकापुर की ओर. ठीक है, इस रास्ते पे आपको धम्माखेड़ा दिखेगा और थोड़ा सा रास्ता कटेंगे तो आपको यू विल गेट भाटापारा. अब भाटापारा हम देख रहे हैं तो वहाँ सबसे बड़ा मंडी हुआ करता था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट वी कैन सी हियर. यहाँ हम रेलवे लाइन देख लेते हैं. ठीक है गाइस, रेलवे चलिए इससे बना लेते हैं. ये रेलवे लाइन चले बताइए कमेंट में कहाँ से आ रही होगी, जब तक मैं बना रहा हूँ ये रेलवे लाइन, आप बताइए चलिए कमेंट्स में. गाइस ये रेलवे लाइन दुर्ग होते हुए, रायपुर होते हुए, टिल्डा होते हुए भाटापारा आ रही है. ठीक है, यू गाइस शुड नो दैट. यहाँ से फिर हम देखते हैं, यहाँ आपको मिलेगा पलारी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है पलारी, यू विल नो दैट, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. दिस इज बलौदा बाजार, यही जैद खाम है. दिस इज नारायणपुर, यहाँ भी एक नारायणपुर है. डोंट एवर गेट कन्फ्यूज ना, यहाँ आदि शिव का टेम्पल है और ये भी नारायणपुर है, वो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट है. दिस इज नारायणपुर जगह, नारायणपुर सिटी. आफ्टर दैट यू विल गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस गिरौद पुरी फॉर कबीरधाम सेक्ट पीपल. गिरौद गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है. ये गुरु घासीदास जी वॉज बॉर्न हियर. ठीक है, फर्दर यू विल गेट कसडोल. ठीक है, और यहीं पे आपको मिलेगा सोना खान. खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हियर ऑफ छत्तीसगढ़. एवरीबडी माइट बी नोइंग, जो हिस्टोरिकली भी नहीं जान रहा होगा छत्तीसगढ़ में सोना खान के बारे में एंड शहीद वीर नारायण जी के बारे में, तो हर आदमी ही जान रहा होगा. सो गाइज, वी हैव डेल्ट विद ऑल द थिंग्स वॉट वी हैव टू डील इन द मैप. आप ये मैप देख सकते हैं. अब लेट्स राइट द फैक्ट्स अबाउट बालौदा बाजार. पलारी में क्या है, एंशियंट शिव टेम्पल एंड. ठीक है, यहाँ एंशियंट शिव टेम्पल है. वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं नारायणपुर, मैंने बताया था नारायणपुर में एंशियंट विष्णु टेम्पल है, इसी को आदि शिव. ठीक है, विष्णु टेम्पल. देयर इज सिद्धेश्वर, मंदिर का नाम क्या है, सिद्धेश्वर महादेव एट पलारी. सिद्धेश्वर जी यहां शिव जी हैं. ठीक है, शिव जी. सोमनाथ महादेव एट जंक्शन पॉइंट ऑफ और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ शिवनाथ एंड खारून. फर्दर बलौदा बाजार में सीमेंट फैक्ट्रियां जो मैंने बोला था, इस हब ऑफ सीमेंट हब ऑफ छत्तीसगढ़. कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, लफार
लफार्ज, श्री सीमेंट, अंबुजा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, हो गया, जितने और हैं आप लिख लीजिएगा, सब सीमेंट फैक्ट्रियां वहाँ, इतने तो हैं ही। अब देखिए सीमेंट फैक्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा वहां पे आपको ओर मिलता होगा या मिनरल मिलता होगा बताइए, लाइमस्टोन। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर सीमेंट फैक्ट्री है तो कोई भी फैक्ट्री, जैसे जो बीएसपी जैसे दुर्ग में है, भिलाई में है, तो यहां से पास है ना, आयरन ओर यहां पास में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइमस्टोन, जैसे जामुल के पास में क्या था आपका, जामुल के पास में क्या था, 800 एकड़ में कौन सी जगह थी, नंदनी माइंस था ना, नंदनी माइंस वॉज द सेंटर ऑफ लाइमस्टोन, तो वहां एसीसी जामुल है, बिगेस्ट प्लांट। वैसे ही लाइमस्टोन मिनरल जो है यहां पे मिलता है बलौदा बाजार में, तो ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द बिग प्लांट्स ऑफ सीमेंट आर सिचुएटेड इन बलौदा बाजार। ठीक है, मैं ये आपके याद करने के लिए बस लिख रहा हूं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिंस ऑल सीमेंट फैक्ट्री आर सिचुएटेड, तो आपको याद आ रहना चाहिए कि सीमेंट फैक्ट्री क्यों ही सिचुएटेड होंगे, इनको पैसा कम लगेगा रॉ मटेरियल लाने में। फर्दर सोना खान, कसडोल में है ये सोना खान, ये गांव है। ठीक है, यहां हुआ क्या था, यहां के जमींदार थे वीर नारायण सिंह, अब उनको हम बोलते हैं शहीद वीर नारायण सिंह, बट तब वीर नारायण सिंह, ही इज ऑल्सो द फर्स्ट मार्टियर एंड फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, कब थे ये, 1856 में क्या हुआ देखिए आप, 1856 में एक माखन व्यापारी था वहां, मैं स्टोरी बता देता हूँ, माखन व्यापारी पारी फेमाइन टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस टाइम छत्तीसगढ़ में, तो ही वॉज द वीर नारायण सिंह वॉज द जमींदार ऑफ सोनाखान डिस्ट्रिक्ट, सोनाखान एरिया, तो ही आस्क्ड माखन व्यापारी टू सामान देने के लिए, उन्होंने कहा, ये व्यापारी थे, इनके पास गोडाउन में सामान भरा हुआ था, सो ही वॉजेंट रेडी, ठीक है, ही वॉज आस्किंग फॉर सरचार्जेस, सो गोडाउन था उनका, उसको लूट दिया इन्होंने, दे लूटेड द गोडाउन बाय वीर नारायण सिंह एंड द पीपल एसोसिएटेड विथ हिम सिंह, ठीक है, सिंह जी, ठीक है, देन ही वॉज टेकन टू जेल, ही रैन आउट ऑफ जेल, देन अगेन टेकन टू जेल बाई कैप्टन स्मिथ, कैप्टन स्मिथ, सब क्वेश्चन पूछते हैं ना, माखन व्यापारी पूछा हुआ है, गोडाउन लूटेड पूछा हुआ है, जेल गए, कौन लेके गया, कैप्टन स्मिथ, देन एट 10th ऑफ दिसंबर, याद रखना है आपको डेट, 1857 ही वॉज हैंग्ड एट जयस्तम चौक ऑफ रायपुर। ठीक है, ये याद, देखो जयस्तम चौक का आपको आज मालूम पड़ गया कि क्यों इंपॉर्टेंस है, जयस्तम चौक जो रायपुर में जाते हैं ना, जयस्तम चौक घड़ी चौक के आगे, इसका इंपॉर्टेंस यही है। ही वॉज फ्रॉम विच ट्राइब, बिंजवार ट्राइब, क्वेश्चन हैज बिन आस्क्ड, याद पता होना चाहिए आपको, बिंजवार ट्राइब से थे ये, इसीलिए 10 दिसंबर को ही वॉज हैंग, तो 10th दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह लोक महोत्सव, लोक कला महोत्सव, ये कहां मनाया जाता है, सोनाखान में हर साल, शहीद, आप जाइए कभी, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, एट सोनाखान। ठीक है, फर्दर गाइज, यू कैन, गिरौदपुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गिरौदपुरी सब मैंने मैप में बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, गिरौदपुरी क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, बॉर्न इट वॉज द गुरु घासीदास, वॉज गुरु घासीदास जी वॉज बॉर्न हियर। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी जैत खम यहीं सिचुएटेड है, दैट इज 77 मीटर ऑफ हाइट
एंड कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है उसको, ठीक है। फर्दर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आसपास में छाता पहाड़, छाता पहाड़ आपको पता होना चाहिए, छाता पहाड़ कहाँ है ये पूछ देता है, क्या वहाँ इंपॉर्टेंस है, यहाँ इनको एनलाइटनमेंट मिला था, एनलाइटनमेंट किसको, गुरु घासीदास जी को। When we, after getting enlightenment, where he has given the first sermon, at Tilasibada, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है पूछता है Tilasibada में क्या इंपॉर्टेंस है, Tilasibada कहाँ है। After that, where he get the Nirvana or salvation at Bhandarpuri, तो आपको पता होना चाहिए, कभी मेंस में भी पूछ दिया तो, life of गुरु घासीदास जी, ठीक है। चलिए यहां आपको एक और पता होना चाहिए, सूफरा मठ क्या क्वेश्चन है पूछ देगा, सूफरा मठ कहाँ है, आपको लग रहा होगा फैक्ट दिए पड़े बट दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा यहीं पे आप दो चीजें और देख लीजिए, गुरु घासीदास जी के नाम पे दो चीजें हम लोग पढ़ चुकी है, ये आपको पता होनी चाहिए, जीजीयू बिलासपुर भी इन्हीं के नाम पे है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है बिलासपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, गुरु घासीदास इंजीनियरिंग कॉलेज जीजीयू बिलासपुर, और सेकंड हमने क्या है, गुरु घासीदास अभी जो ये प्रपोज्ड है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में, कोरिया जिला, हम पढ़ेंगे कोरिया जिला अभी पढ़ेंगे ना, लास्ट में ऊपर में सबसे टॉप में कोरिया जिला, तो आप उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है। सूफरा मठ हो गया, देन फर्दर टुटुरिया, इट वॉज द प्लेस रिलेटेड टू सेंट वाल्मीकि, कौन से एपिलॉग या कौन से हमारे हिस्टोरिकल सॉरी रिलीजियस टेक्स्ट में आपको ये मिलते हैं बताइए, ठीक है, सेंट वाल्मीकि, रामायण, कि वही जगह है जहां पे सीता जी आके रुकी थी अयोध्या से निकलने के बाद, एंड शी गेव बर्थ टू लव कुश, बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश, ठीक है गाइस, कहाँ है टुटुरिया, आपको पता होना चाहिए, रामगमन पथ में ये एडेड है टुटुरिया, रामगमन पथ में, ठीक है। देन यू शुड नो डमरू, इट इज अ फोर्ट फ्री विलेज, डमरू एट बैंक ऑफ शिवनाथ नदी, इट इज ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल साइट, फर्दर लास्ट वन इज धामाखेड़ा, ये जो है ना तीर्थ स्थल है कबीरपंथियों के लिए, कबीरपंथी का तीर्थ स्थल है ये, ठीक है। ट्वेल्थ गुरु जो है उनके, उनका ये प्लेस था, यहाँ मठ है, ट्वेल्थ गुरु कौन थे इनके, उग्र नाम साहब मठ है यहाँ, सो ये याद रखिए आप, धामाखेड़ा। सो गाइस आज बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, वी हैव कंप्लीटेड बोथ द डिस्ट्रिक्ट बलोदा बाजार एंड रायपुर, तो थैंक्स अ लॉट गाइस, आप लोगों ने पेशेंटली आज का क्लास किया, इट इज़ वेरी वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन छत्तीसगढ़, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे डैम श्योर 100%, एक से दो क्वेश्चन आपको हर साल स्टेट पीसीएस या व्यापम के पेपर में दिखेंगे, क्योंकि वी हैव डेल्ट विद मैनी ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स एंड मैनी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। सो गाइज थैंक्स अ लॉट, स्टडी हार्ड एंड हैव